हे गाइस, व्हाट्स अप? कैसे हैं आप सब लोग? फाइनली मैं वापस आ गया हूँ मॉलडीव्स के। मेरे वेकेशन ख़त्म हो चुके हैं और फिर से हम लोग चलते हैं, शुरू करते हैं पॉलीमर्स को। ठीक है, फाइव लेक्चर्स हम लोग फिनिश कर चुके हैं। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं जान लेना चाहता हूँ कि क्या आप मुझे देख पा रहे हैं, मुझे सुन पा रहे हैं, क्या पीछे की स्लाइड्स आपको दिख रही हैं। कमेंट सेक्शन में आप लोग अपना आंसर लिख सकते हो। मैं यहाँ पर आपके चैट्स देख सकता हूँ। जैसे अभी मुझे हनीता, निकिता, अफान, मोहित, शिवानी, प्रगति, टेक्निकल, अजय सिंह, हनीता दहिया, पायल, संकल्प, प्रिंस, नेहा, अमे, महा, हर्ष, दार, लखन, ठीक है, ये काफ़ी लोग अभी मुझे दिखाई दे रहे हैं। सो तीन चीज़ें आप लोग चेक कर लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, तो क्या मेरी आवाज़ आपको साफ सुनाई दे रही है? दूसरा, क्या पीछे की स्लाइड्स आपको दिख रही हैं? और तीसरा, ठीक है, क्या मैं आपको अच्छे से प्रॉपरली दिख रहा हूँ? तो तीन चीज़ें आप लोग चेक करके मुझे बता दीजिए कि येस सर, यू कैन स्टार्ट। ऑल चेक्ड, वी कैन स्टार्ट। ओके, मुझे लग रहा है सब सही है, आई थिंक। और अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो आप एक बार रिफ्रेश करना, आपको एक क्लास सही से दिखाई देगा। मे बी नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है। और बाकी सब लोग तो बोल रहे हैं कि हाँ, अभी लाइट और ऑडियो, मतलब ऑडियो और विजुअल दोनों क्लियर हैं। सो चलिए गाइस, फटाफट से पॉलीमर में आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग फ्रॉम माई साइड एंड फ्रॉम माई टीम साइड। आप लोगों ने इतने दिन पेशेंस रखा, आप लोगों ने पेशेंस रखा, इस वजह से मैं मॉलडीव्स की अपनी ट्रिप को बहुत अच्छे से प्रॉपरली फिनिश कर सका। और मैंने बहुत सारी पिक्चर्स, दो लाइव सेशंस मॉलडीव से हमने लिए, ठीक है। और ये मुझे लगता है YouTube की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा होगा कि कोई टीचर केमिस्ट्री का मॉलडीव से लाइव सेशन लेके आपको, शायद मैंने मॉलडीव के नज़ारे भी दिखाए। सो आई थिंक आप लोगों ने इन्जॉय भी किया होगा जितना मैंने इन्जॉय किया, शायद उतना नहीं किया होगा, लेकिन आपने साइट ज़रूर देखी होंगी, ठीक है। और उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे स्टूडेंट अपने पेरेंट के साथ, या फिर आगे जब वो सक्सेसफुल हो जाएं, जब आप कमाने लग जाओ, तो मे बी मॉलडीव का आप ट्रिप लगाओ तो मज़ा आ जाएगा, आप लोग ज़रूर जाना, ठीक है। बहुत ही ऑसम है, नेचुरल है, और लिटरली मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया, आई हैव एन्जॉयड अलॉट, ठीक है। सबसे अच्छी बात ये कि इंडियंस के लिए वहाँ पर वीज़ा ऑन अराइवल है, तो वहाँ पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होता है। चलो, ये सब बातें तो हम लोग करते रहेंगे, पॉलीमर्स पर आते हैं। लास्ट टाइम तक हम लोग एडिशन पॉलीमर्स में एग्जाम्पल कर चुके थे, हाई डेंसिटी पॉलीथीन एंड लो डेंसिटी पॉलीथीन का एग्जाम्पल हम लोग कर चुके थे, कर चुके थे ना? येस और नो? बैकग्राउंड अच्छा था, हाँ मैं जानता हूँ, थैंक यू सो मच दिलशाद, ठीक है। ओके नेहा, यस, सागर, सब लोग आ चुके हैं, थैंक यू सो मच सागर, अक्षय, राहुल। चलो तो हम लोग शुरू करते हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं, एडिशन पॉलीमर के हम लोग और एग्जांपल्स भी देखने वाले हैं, तो बहुत ध्यान से उसको चेक करेगा। जैसे कि टाइटल में भी मेंशन्ड है, टेफ्लोन, ओरलोन, और उसके बाद हम लोग कंडेंसेशन पॉलीमर्स की तरफ चलेंगे, ठीक है। सो चलो शुरू करते हैं आज का सेशन, ठीक है, विद अ पॉजिटिव वेव। चलिए, सो यहां से मैं आपको लेके चलता हूं सीधे टॉपिक पे। इसको मैं एक बार रिमूव कर देता हूं, ये टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं। 30 नंबर स्लाइड पे चलते हैं क्योंकि हम लोग ये सब चीजें पढ़ चुके हैं, ठीक है। और चलिए हमारे टॉपिक पे चलते हैं। सो फाइनली हम लोग थे यहां, लुक एट इट, यहां से हम लोग शुरू करेंगे क्योंकि इसके पहले का हम लोग पढ़ चुके हैं। मैं आपको वो भी क्लैरिटी कर देता हूं। ये देखिए, हम लोग यहां पर इतना अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं। सो हाई डेंसिटी पॉलीथिन कंप्लीट हो चुका था, आई थिंक आप लोगों ने देख लिया होगा। अब हम आगे चलेंगे, ठीक है। और इनमें डिफरेंसेस भी मैंने आपको कल बताए थे, लास्ट लेक्चर में बताए थे। कल तो मैं मॉल्डिंग में था, अभी हैंगओवर उसका निकला नहीं है, ठीक है, धीरे धीरे जाएगा। बट यहां तक हम लोग कर चुके थे, आई थिंक आप लोगों ने कर लिया होगा। अब हम चलेंगे आगे। देखिए, नेक्स्ट जो एडिशन पॉलीमर है, दैट इज पोली टेट्रा फ्लोरो इथीन, इथाइलीन वी कैन से, जिसको हम लोग टेफ्लोन भी कहते हैं, PTEF, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करो, पोली टेट्रा फ्लोरो इथाइलीन। क्योंकि अगर अब मैं यहां से पोली हटा दूं तो उसका क्या आ जाएगा, मोनोमर, टेट्रा फ्लोरो इथाइलीन, एक्चुअल में इसका मोनोमर होता है, उसको हम लोग चेक करेंगे, बहुत ध्यान से इसको चेक करिएगा। सबसे बढ़िया बात जो आपको ध्यान देनी है वो ये कि इसको टेफ्लोन भी कहा जाता है,
मैं आपको क्लियर कर देता हूं एक चीज, बहुत बार ऐसा होता है कि जो इसके इनके निकनेम होते हैं ना, या फिर इनके जो ये नेम होते हैं, इनके ऊपर से क्वेश्चन आते हैं, बहुत लोगों को पता नहीं होता। अब टेफ्लॉन, तो आपको वहीं से गैस करना है कि वहां पर पोली टेट्रा फ्लोरो इथाइलीन की बात हो रही है। सबको समझ में आता है? सो ये ध्यान रखिएगा, एग्जाम्पल याद कैसे कर सकते हो, बीच में एफ आ रहा है, यहां पर जो एक्चुअल में यहां पर जो मोनोमर इस्तेमाल होगा दैट इज CF2 डबल बॉन्ड CF2 यूज होगा, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। फ्लोरीन यहां पे इस्तेमाल होगा, यहां पर उसको याद कैसे रखा जा सकता है, उसको एक शॉर्ट ट्रिक से याद कर सकते हो। देखो नाम में टेफ्लोन में एफ आ रहा है, तो ऐसा करके आप इसके मोनोमर को याद कर सकते हो, दैट इज CF2 डबल बॉन्ड CF2। सबको समझ में आता है? सो दिस इज अगेन सो मच इंपॉर्टेंट, सो फोकस करिएगा यहां पर। शॉर्ट ट्रिक भी बता रहा हूं कि याद कैसे करना है मोनोमर, क्लियर होता है? सो चलो अब हम चलते हैं आगे, ध्यान से देखिएगा, फोकस करिएगा, स्लाइड में आगे मूव कर रहे हैं। अब आते हैं कि ये बनता कैसे है, फोकस करिएगा। वैसे मेंशनड है इसमें, एक्चुअल में जो चीज आपको याद करनी होती है वो याद करनी होती है मोनोमर, दैट इज सो मच इंपॉर्टेंट। तो हम लोग यहां पर मोनोमर पे फोकस करते हैं, हालांकि मैं पहले आपको मोनोमर बता चुका हूं, लेकिन फिर भी यहां पर मैं एक बार हाईलाइट कर देता हूं। नाउ फोकस करिएगा, देखिए यहां पर ये है मोनोमर, इसकी n यूनिट्स हम लोगों ने यूज करी हैं, दिखाई दे रहा है सब लोगों को, CF2 डबल बॉन्ड CF2, इसी को बोलते हैं टेट्रा फ्लोरो इथीन या फिर इथाइलीन, इसी के बारे में बात कर रहा हूं। और एक्चुअल में यही आपको मेंशन करना होगा, CF2 डबल बॉन्ड CF2, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फोकस करिए। और मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि एक्चुअल में क्वेश्चन इसी के ऊपर पूछा जाता है, बात समझ में आ रही है सबको? एक्चुअल में क्वेश्चन इसी के ऊपर पूछा जाता है कि टेफ्लोन का मोनोमर क्या है, और बहुत सारे बच्चों को याद नहीं होता क्योंकि यहां पर पॉलीमर्स तो बहुत सारे हैं। अब अगर पॉलीमर बहुत सारे हैं तो मोनोमर याद करने में थोड़ा सा टफ तो होता ही है। सो उसके लिए क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, जैसे जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आसानी से याद होगा, क्लियर होता है? सो फाइनली यहां पर हमें मोनोमर मालूम पड़ गया। अब थोड़ी सी चीज यहां पर, इसके मैन्युफैक्चरिंग या इसका क्या प्रोसेस होता है उस पर चेक कर लेते हैं। देखिए इट इज एन एडिशन पॉलीमर, जैसा कि मैंने आपसे कहा था, यहां पर मेंशन भी है कि एडिशन पॉलीमर है, फोकस करिएगा, ठीक है? एक एक चीज यहां पर मेंशन है, बहुत ध्यान से देखिएगा, एडिशन पॉलीमर ऑफ टेट्राफ्लोरोइथाइलीन, ये इसका मोनोमर है जो कि यहां पर बना हुआ है, सबको दिखाई दे रहा है। इट इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग ऑफ टेट्राफ्लोरोइथीन या इथाइलीन विद अ फ्री रेडिकल। अब देखिए यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखी हुई है कि यहां पर जो मैकेनिज्म है वो कौन सा होगा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फोकस ऑन दिस थिंग, की ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मैकेनिज्म तीन तरह के पॉसिबल थे, कैटायनिक, एनायनिक और फ्री रेडिकल। तो टेट्राफ्लोरोइथीन, पोली टेट्राफ्लोरोइथीन अगर आपको बनाना है तो यहां पर आपको फ्री रेडिकल मैकेनिज्म पे फोकस करना है, क्लियर होता है सब लोगों को, ठीक है? अब देखिए आगे क्या लिखा है, और पर सल्फेट कैटलिस्ट, ठीक है, जिसको जो कौन सा यूज कर सकते हो आप, अमोनियम पर सल्फेट आप यूज कर सकते हो एज अ कैटलिस्ट, यहां पे यूज कर सकते हो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका फॉर्मूला यहां पे लिखा हुआ है अमोनियम पर सल्फेट का। ये जनरली नहीं पूछा जाता, ये आपकी नॉलेज के लिए मैंने आपको बताया है, दैट इज NH4 होल ट्वाइस H2O2 पर सल्फेट का, पर सल्फेट अगर आयन की बात करते हो क्या होता है H2O2-2, क्लियर हो गया, H2O2-2 को हम लोग पर सल्फेट बोलते हैं। तो यहां पर लिखा है अमोनियम पर सल्फेट, तो आपको क्या लगाना है, NH4 प्लस के दो यूज करने हैं, क्लियर हो गया, दोनों को जोड़ दो तो आपके पास क्या बनेगा, अमोनियम पर सल्फेट, ये एज अ कैटलिस्ट यूज करोगे तब भी ये होगा, और प्रेशर आपको हाई रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चीजें यहां पर फोकस करने वाली कौन सी है, ये भी ध्यान देने की बात है, क्योंकि यहां पर चीजें तो बहुत सारी लिखी हुई हैं। तो पहली चीज इसका मोनोमर CF2 डबल बॉन्ड CF2, दूसरी ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से बनाया जाएगा, और कभी कभार कैटलिस्ट पूछते हैं, जो कि मुझे नहीं लगता कभी पूछा गया है, बट फिर भी आप फोकस करिएगा कि यहां पर मैकेनिज्म में कैटलिस्ट कौन सा यूज किया गया है, दैट इज NH4 होल ट्वाइस H2O8 पर सल्फेट को यूज किया गया है। और फिर अगर आपको यहां पर ये थ्योरी लिखने के बाद, बाई चांस अगर आप बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो तो थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आप जेईई और नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तब तो कोई टेंशन ही नहीं है, आपको सिर्फ इस पे फोकस करना है, कैटलिस्ट है, हीट और हाई प्रेशर पर आपको ये क्या दे देगा, कुछ नहीं करना। देखिए यहां पर सबको पता है कि यहां पर पाई बॉन्ड है, सिर्फ इसको क्लीव करना है, यहां से एक बॉन्ड निकालना है, यहां से एक बॉन्ड निकालना है, बस ब्रैकेट में बंद करना, हो गया अपना काम, क्लियर होता है, कुछ नहीं करना, CF2 डबल बॉन्ड नहीं, उसको सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर लो, ये देखो बस इस तरह से इसको मैनेज करना है, हो गया आपका काम, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है इसमें, बहुत इजी है, क्लियर होता है। अब आते हैं इसके बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पे, एक्चुअली ये बहुत पूछा जाता है कि भैया टेफ्लोन यूज कहां करते हैं हम लोग,
सवाल ये कि टेफ्लोन यूज कहां करते हैं, तो चलो मैं आपको बताता हूं कि टेफ्लोन यूज कहां किया जाता है। फोकस करिए भाई, इट हैज बीन यूज इन नॉन स्टिकी कोटिंग फॉर कुकिंग पैन्स एंड ठीक है यूटेंसिल्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी मम्मा घर पे जब अगर आप नॉनवेज खाते हो या फिर एग खाते हो तो ऑमलेट बनाते हैं हम लोग, नॉन स्टिकी कुकवेयर्स होते हैं ठीक है, तो वो एक्चुअल में टेफ्लोन के बने होते हैं, या फिर केक वेक या जो भी चीजें बनाई जाती हैं ठीक है। सो वो घर पे किचन में आप जाओ, आपके पास यू नो पैन दिखेगा ठीक है, पैन दिखेंगे, कुकिंग पैन होते हैं, क्लियर हो गया। वो किससे बनाए जाते हैं, वो टेफ्लोन से बनाए जाते हैं, घर पे आपके टेफ्लोन दिख जाएगा। अभी किचन में जाओ, मम्मा कुछ ना कुछ कुक कर रही होगी, पैन का यूज कर रही होगी, नहीं भी कर रही तो मम्मी को पूछो कि पैन कहां पे है, उसमें टेफ्लोन है। और अगर ऐसे एग्जांपल अगर आपने जाके एकदम देख लिए तो पता है आपको सबसे ज्यादा इंपैक्ट ह्यूमन मेमोरी पे किस चीज का पड़ता है, आपने क्या चीज देखी वो ज्यादा याद होती है अच्छे तरीके से। तो अगर मैं आपको बोला कि यहां पर पेन में हम लोग टेफ्लोन का यूज करते हैं तो एकदम से याद आया, और अगर आपने जाके किचन में देख भी लिया कि वाह यार अच्छा इसमें है टेफ्लोन इजंट इट, तो याद हो जाएगा, बात समझ में आता है। अदरवाइज क्या होगा ना, याद नहीं होगा। इन क्लासेस की ये खास बात है कि आप लोग अगर रूटीन वे में पढ़ते हो तो दिक्कत होती है, लेकिन अगर आपने देखा थोड़ा ज्यादा याद होगा। अगर आप जैसे मैं बोलता हूं कि जाके एक बार देख के आओ, किचन में दौड़ के जाओ ठीक है, जाके देख के आओ, मामा को पूछो कि पेन कहां पर है, कुकिंग पैन कहां पर रखा हुआ है, उसको उठाओ, मटेरियल को देखो, तो और ज्यादा रिकॉल होगा कि भैया इसको हम लोग टेफ्लोन बोलते हैं। बात सबको समझ में आ गई, तो हम लोग अभी टेफ्लोन कई, हाँ यहां पर खान ने अभी यहां पर पैन कुकिंग पैन बना दिए हैं, अनु चौधरी भी यहां पर क्या कर रही, कुकिंग पैन बना रही है, थोड़ी देर में भूख लगनी शुरू हो जाएगी। चलो बहुत बढ़िया, सो फाइनली हम लोगों ने यहां पर क्या कर लिया, टेफ्लोन, याद रखिएगा टेफ्लोन जिसको बोलते हैं पोली टेट्रा फ्लोरो इथीन या इथाइलीन, वो हमने फिनिश कर लिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं साइड में हो जाता हूं, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, साफ सुथरा कर दूं, तो देखो यहां पर मैं साफ सुथरा कर देता हूं, ये साफ हो गया, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लो, ले लिया, क्योंकि बहुत बार बच्चे बोलते हैं सर स्क्रीनशॉट का टाइम ही नहीं देते, आप भागते रहते हो, तो ठीक है अभी मैं रिलैक्स हूं एकदम ठीक है, आप लोग आराम से यहां पर स्क्रीनशॉट ले सकते हो, एक बार और हट जाता हूं, चाहो तो ले लो, ले लिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, लाइव सेशन के मजे ही अलग हैं। तो चलो हमने अभी एडिशन पॉलीमर में दूसरा एडिशन पॉलीमर खत्म कर लिया, दैट इज टेफ्लोन। अब लोग अब क्या करते हैं हम लोग, अब चलते हैं हम लोग आगे, आगे हम लोग पैन के बारे में बात करेंगे। पैन, अब इसको ना कुकिंग पैन मत समझ लेना, इसकी फुल फॉर्म देखो पैन की क्या है, पैन की फुल फॉर्म है पोली अक्रीलो नाइट्राइल, बहुत इंपॉर्टेंट है पोली अक्रीलो नाइट्राइल, मेरे साथ बोलो सब लोग, घर पे बैठे हो टेंशन मत लो, घर पे ही बैठे हो ना, मम्मी सुनेगी पापा सुनेंगे, इससे ज्यादा क्या होगा, बोलेंगे बच्चा एकदम पागल हो गया है बावला हो गया है, लेकिन बोलो मेरे साथ, कम ऑन गाइज, दैट इज पेन पोली अक्रीलो नाइट्राइल, जिसको हम लोग ओरलोन भी कहते हैं भाई, ओरलोन भी कहते हैं, फोकस करो पीछे नाम लिखा हुआ है ओरलोन, से इट लाउडली ओरलोन, समझ में आता है, टेफ्लोन टेफ्लोन अलग था, ओरलोन अलग है, फोकस ऑन दीज थिंग्स, क्लियर होता है। सो यहां पर इसको हम लोग ओरलोन कहते हैं, क्लियर होता है सब लोगों को, तो चलिए नाउ दिस इज ओरलोन, और एक्चुअल में ओरलोन क्या है, पेन, कंफ्यूजन में मत जाना, यहां पर पेन वो कुकिंग पेन नहीं है, ये बहुत बच्चों से गलती होती है, समझ में आता है, ये एक पॉलीमर है, दैट इज पोली अक्रीलो नाइट्राइल, इसका यूज कुकिंग में नहीं होता है, ये ध्यान रखना आप लोग, इसके यूज कहां होते हैं वो अपन थोड़ी देर में देखते हैं, मैं आपको बताता हूं, लेकिन होता क्या है उस पर फोकस करेंगे। पोली अक्रीलो नाइट्राइल को हम लोग पेन कहते हैं, और एक्चुअल में इसका जो निकनेम है, वी कैन से निकनेम है ना, इसको हम लोग ओरलोन कहते हैं, फर्क समझ जाएगा, बहुत बच्चे गलती करते हैं यहां पे, क्लियर होता है। अब देखते हैं पोली अक्रीलो नाइट्राइल बनेगा कैसे, बहुत सिंपल है, लुक एट इट, पोली अक्रीलो नाइट्राइल, अब उसके लिए सबसे पहले तो मोनोमर की बात करते हैं, पोली अक्रीलो नाइट्राइल उसको पहले भी हम लोग देख चुके हैं, यहां पर फोकस करवाता हूं ठीक है, पहले भी हम लोग ये काम कर चुके हैं। पोली अक्रीलो नाइट्राइल में जो आपके पास एक्चुअल में मोनोमर है, पहले उसका डिस्कशन काफी बार हो चुका है, दैट इज सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच एंड देन सी एन, क्लियर होता है। इथीन नाइट्राइल इसके पीछे का मोनोमर है, फोकस करो उसकी, अगर आपने एन यूनिट ली है और यहां पर पेरोक्साइड की प्रेजेंस रखी एज अ कैटलिस्ट,
तो आपके पास क्या बन जाएगा, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल बन जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, यहां पे जो डबल बॉन्ड है उसको क्लीव करना है, एक बॉन्ड पीछे एक बॉन्ड यहां पर, और ये बन गया आपके पास पेन, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल। बट ये कुकिंग पेन नहीं है भाई, उसको ध्यान रखना, फोकस कर लीजिएगा कि यहां पर बोला क्या जा रहा है, नहीं तो गलती कर बैठोगे, वहां पर गलतियां हो जाएंगी। क्लियर होता है? अगर वो बात करें कुकिंग पेन की तो वो तो होता है टेफ्लॉन, बट अगर ये पेन की बात करें यानी कि पॉलीमर की बात करें या पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, तो उसको ओरलोन कहते हैं, टेफ्लॉन नहीं कहते। सबको समझ में आ गया? यहां पर मेंशन भी है, ध्यान से पढ़ो क्या लिखा हुआ है। इट इज अ पॉलीमराइज प्रोडक्ट ऑफ विनाइल साइनाइड, जिसको हम लोग एक्रिलोनाइट्राइल भी कहते हैं। इट इज ऑब्टेन्ड बाय द एडिशन पॉलीमराइजेशन ऑफ एक्रिलोनाइट्राइल इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड कैटलिस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है, फोकस करिए। यहां पर आपको पेरोक्साइड कैटलिस्ट की जरूरत पड़ेगी बच्चों, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद करना कुछ नहीं है, सिंपल सा, यहां पर आपने विनाइल, ठीक है, विनाइल साइनाइड लिया, पेरोक्साइड की प्रेजेंस रखी, बॉन्ड खोल दिए, पाई बॉन्ड क्लीव कर दिया, और यहां से आपका पेन तैयार हो गया, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, जिसको हम लोग ओरलॉन भी कहते हैं। फोकस करिएगा भैया, नाम अगर आपने गलत लिख दिया तो गया। नाउ दिस इज कॉल्ड ओरलॉन। क्लियर होता है? अब सवाल ये है कि ये यूज कहां किया जाता है, कहां पे आप इसको इस्तेमाल करोगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। विल टॉक अबाउट दिस, ठीक है, इसको यूज कहां करोगे। तो देखो, अगर आपने सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ा है तो आपने वहां पर क्या पढ़ा होगा, आपने वाटर प्यूरिफिकेशन का देखा होगा, या फिर ऑस्मोटिक प्रेशर। जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है वो एक्चुअल में पेन की बनाई जाती है, यानी कि ओरलॉन की बनाई जाती है। एक्चुअल में नीचे मेंशन्ड भी है, फोकस करिए, देखिए क्या लिखा है। इट इज अ वर्सेटाइल पॉलीमर, नाउ फोकस ऑन दिस, इट इज अ वर्सेटाइल पॉलीमर विच इज यूज टू प्रोड्यूस लार्ज वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट इंक्लूडिंग अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। जो आप घर पे इस्तेमाल करते हो फिल्टर्स, उनमें हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, पेन का, ओरलॉन का इस्तेमाल करते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के लिए। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन, इट इज ऑल्सो मेंशनड ओवर हियर, नाउ लुक एट इट, दिस इज मेम्ब्रेन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन में। क्लियर होता है? या फिर होलो फाइबर्स, उनमें भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। रिवर्स ऑस्मोसिस, मैंने क्या कहा था आपसे, आपने सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ा होगा रिवर्स ऑस्मोसिस। ये देखिए, फोकस करिए क्या लिखा है, रिवर्स ऑस्मोसिस उनमें यूज किया जाता है। क्लियर होता है सब लोगों को? बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फाइबर्स फॉर टेक्सटाइल्स, टेक्सटाइल में फाइबर्स में यूज किया जाता है, एंड ऑक्सीडाइज्ड पेन फाइबर्स, एक्चुअल में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है फाइबर्स के अंदर, ठीक है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फाइबर्स बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, होलो फाइबर्स। क्लियर होता है? रिवर्स ऑस्मोसिस में या फिर टेक्सटाइल के अंदर जो हम लोग यहां पर फाइबर्स इस्तेमाल करते हैं उनमें यूज होता है। अब यूजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभार क्या होते हैं ना, इनकी प्रॉपर्टीज, इनके यूजेस पे ही क्वेश्चन आ जाते हैं, और यूजेस से आपको पहचानना होता है कि हम लोग किस पॉलीमर की बात कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, यहां पर रोशन भी कुछ बना रहा है, ये फाइबर्स जो है ना उसके अंदर हम लोग ओरलॉन का इस्तेमाल करते हैं, स्पेशली टेक्सटाइल के अंदर जो फाइबर्स होते हैं उनमें यूज करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, फोकस करिएगा। मैं आपको फिर से कह रहा हूं, यूजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इस पे क्वेश्चन पूछा गया एक बार कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में कौन सा पॉलीमर यूज किया जाता है, दैट इज ओरलॉन, पेन यूज किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, फोकस करो यूजेस के ऊपर। नाउ दिस इज अ थर्ड एडिशन पॉलीमर, जो हमने यहां पर खत्म कर लिया, तीसरा एडिशन पॉलीमर अभी फिनिश हो गया है। क्लियर होता है सब लोगों को? अब मैं यहां से हटूंगा और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लेकिन फिर से एक बार रिवाइज कर लो, फोकस करो कि आज का टाइटल क्या है, अभी जो हमने पढ़ा उसका टाइटल क्या है, फोकस करो, दैट इज पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, जिसको हम लोग पेन कहते हैं, इसको हम लोग ओरलॉन भी कहते हैं, और इससे आप कंफ्यूजन में मत आना कि ये पेन कुकिंग वाला है, नहीं, ये कुकिंग वाला पेन नहीं है, इससे आप कुकिंग मटेरियल्स नहीं बना सकते। क्लियर होता है? क्या बनाते हो इससे आप? इसे फाइबर्स बनाते हो, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बना सकते हो हायर फिल्ट्रेशन के लिए, एक्सट्रीम लेवल फिल्ट्रेशन करना चाहते हो तो इसका यूज होता है। समझ में आ गया? फाइबर्स मेन है, टेक्सटाइल के अंदर फाइबर्स में इस्तेमाल किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके मोनोमर क्या होगा? CH2 डबल बॉन्ड CHCN, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इथाइलीन साइनाइड या इथाइलीन नाइट्राइल या फिर एक्रिलोनाइट्राइल भी कह सकते हो, इसको विनाइल साइनाइड भी कह सकते हो, बहुत सारे नाम है इसके। और फाइनली इसको पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल कहेंगे, जिसका शॉर्ट में फॉर्म बनेगा पेन।
सबको समझ में आ गया? अच्छा, आप लोग कह रहे हैं भैया स्क्रीनशॉट ले लो, आप हट जाओ। ठीक है, तो हटता हूँ, पहले ये सब चीज़ें भी हटा देता हूँ आप लोग के लिए। ये लो, अब फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैं हट गया, ये लो स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया सबने? हाँ बोलो फटाफट, मैं देख रहा हूँ स्क्रीन पे किसने स्क्रीनशॉट ले लिया। कह रहा कौन सीरियस है, देखे? वेरी गुड, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, क्या बात है क्या बात है। हाँ 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 हाँ, कई लोग पूछ रहे सर बैंगलोर आ गए क्या, तो और क्या मेरे लिए ये अरेंजमेंट बॉल्डिंग में करके कौन देगा। हाँ तो ऑब्वियसली मैं बैंगलोर आ चुका हूँ और आज सुबह फ्लाइट से लैंड किया है यहाँ पे। मेरा मुंबई तक फ्लाइट था, उसके बाद मुंबई से फिर मैं बैंगलोर। पहले ऐसा था नहीं, बैंगलोर से सीधा मॉलडीव के लिए फ़्लाइट होता है, लेकिन कैसे को प्लान नहीं था बैंगलोर शिफ्ट होने का। तो मेरा मुंबई से फ़्लाइट ऑलरेडी था 2 महीने पहले से ही, इसलिए मुझे बैंगलोर से मुंबई का एक्स्ट्रा ट्रैवल करना पड़ा। लेकिन अगर आप बैंगलोर से जाते हैं तो मॉलडीव बहुत पास है, पैसे भी कम लगते हैं फ़्लाइट के, मज़ेदार है एक्सपीरियंस। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया सबने? मैकेनिज्म इसका एडिशन के लिए तो ऑलरेडी बता चुका हूँ। समबडी वॉज आस्किंग मैकेनिज्म, तो मैकेनिज्म तो पहले डिस्कस कर चुके हैं, आप एक बार जाके पीछे देखिए, आपको एडिशन पॉलीमर का मैकेनिज्म मिल जाएगा। ठीक है, वही मैकेनिज्म सेम इसमें इस्तेमाल होगा, कैटायनिक एनायनिक। अच्छा, इसके अंदर तो कौन सा यूज होता था? इसके अंदर यूज होता था एनायनिक पॉलीमराइजेशन मैकेनिज्म, और वो हम लोग ऑलरेडी लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, आई थिंक थर्ड और फोर्थ होगा। आप एक बार जाके चेक करो, बहुत सिंपल है, कुछ है नहीं इसके अंदर। क्लियर है? ये करवा चुका हूँ गाइज पहले, और अब तो हमें फोकस किस चीज पे करना है? अब हमें फोकस करना है फाइनली इनके किस पे, इनके एक्चुअल में ये बनते कैसे। ठीक है, मैकेनिज्म हो गया, अब फाइनली हमें मोनोमर पे फोकस करना है और जो कंडीशंस हैं उन पे फोकस करना है। मैकेनिज्म हो गया हमारा, क्लियर हो गया सब लोगों को? सो फाइनली यहाँ पर पेन हमने फिनिश किया, ऑर्लोन बोलते हैं इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटे छोटे क्वेश्चन पे ध्यान देना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो, तो यहाँ पर एडिशन पॉलीमराइजेशन ओवर हो गया। नाउ विल टॉक अबाउट कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। हाफ एन आवर का क्लास हो चुका है, हमेशा बच्चे मुझे बोलते थे कि सर 15 मिनट की क्लास में मजा नहीं आता, तो चलो हम लोग लंबी क्लासेस भी कर रहे हैं फाइनली। चलो, तो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन पे चलते हैं, हाफ एन आवर नहीं हुआ अभी, 9 मिनट बाकी है। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में क्या होता है? एक स्मॉल मॉलिक्यूल बाहर निकलता है, वी ऑल नो, एक स्मॉल मॉलिक्यूल, इट मे बी वॉटर, इट मे बी एल्कोहल, इट मे बी अमोनिया, कोई भी एक मॉलिक्यूल यहां से क्या होगा, लीव करेगा, एक्सट्रैक्ट करेगा, उसके बाद कंडेंसेशन पॉलीमर बनेगा। ठीक है, बहुत सिंपल होता है, फोकस करेगा थ्योरी पे, इसके बारे में खैर पहले मैं एक बार बता चुका हूं, अब उनके एग्जांपल जब हम देखने जाएंगे तो उससे आपको और अंदाजा होगा। सबसे अच्छी बात बताता हूं, अगर कोई कल पूछ ले कि एडिशन पॉलीमर और कंडेंसेशन पॉलीमर इन दोनों में बायोडिग्रेडेबल कौन सा है, तो एक्चुअल में इसमें बायोडिग्रेडेबल है कंडेंसेशन पॉलीमर। ये कंडेंसेशन पॉलीमर बायोडिग्रेडेबल होते हैं। बायोडिग्रेडेबल का मतलब क्या होता है, देखिए एक बात बताता हूं, आप जरा सोचिएगा, मैं 2 एग्जांपल देता हूं आपको, कई बार बच्चे कंफ्यूजन में चला जाते हैं बायोडिग्रेडेबल का सेंस क्या है, जो प्रकृति यानी कि नेचर में अपने आप ही खत्म हो जाते हैं। आप कंपेयर करिएगा कभी, अगर हम लोग एक तरबूज को रख दें, तरबूज तो जानते हो ना, वाटरमेलन, वाटरमेलन रख दो आप, और एक आप ना ये जिसे बर्गर बर्गर बनते हैं ना, या फिर आपके ये जो बनते हैं क्या बोलते हैं पिज्जा वगैरह, जो ब्रेड होती है पिज्जा या बर्गर की जो ब्रेड होती है, तो आप कभी वो रखो, आपको पता है कि नेचर डिग्रेड किसको कर देगी, तुरंत तरबूज कुछ ही दिनों में सड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा, बायोडिग्रेडेबल होता है तरबूज। और ये जो बन्स होते हैं जिससे आप ये बन या फिर जो ब्रेड होती है, स्पेशली बन की बात करता हूँ, वो बायोडिग्रेडेबल होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, नहीं होती है ज़्यादातर। ठीक है, सो इसलिए कहते हैं कि आप अपने फूड कंज्यूम कर रहे हो तो ऐसी चीज़ें खाओ जो बायोडिग्रेडेबल है, इसलिए फ्रूट्स खाओगे तो हेल्थ अच्छा रहता है, लेकिन रहा नहीं जाता, क्या करें। ठीक है, पर हाँ पिज्जा विज्जा और ये बर्गर वर्गर, पानी आ रहा भाई भयंकर मुंह में लेकिन का टेस्ट है इस वजह से, लेकिन बायोडिग्रेडेबल नहीं होते हैं ये। इसके अलावा जो फ्रूट्स होते हैं बायोडिग्रेडेबल होते हैं, मतलब नेचर अपने आप से उसको वैनिश कर देती है। बात समझ में आ रही है? सो कंडेंसेशन पॉलीमर जो है बेसिकली एज कंपेयर टू एडिशन पॉलीमर्स बायोडिग्रेडेबल होते हैं, नेचर अपने आप उसको वैनिश कर देती है, और वो अच्छी भी बात है, जिससे नेचर को नुकसान नहीं होता है। क्लियर हो गया? सो कंडेंसेशन पॉलीमर की तरफ चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, अब इसके प्रोसेस पे गौर करिए। एडिशन पॉलीमर हम लोग किस प्रोसेस में बनता था? चेन ग्रोथ होता था,
चैन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन से आप एडिशन पॉलीमर्स बनाते थे। नोट डाउन कर लो सब लोग, ये सबसे बड़ा फर्क है। कंडेंसेशन पॉलीमर और एडिशन पॉलीमर में सबसे बड़ा फर्क क्या है, यहां पर मैं मेंशन कर देता हूं, जरा फोकस करिएगा। देखिए यहां पर मैं लिखता हूं, देखिए यहां पर सबसे बड़ा जो फर्क है वो यही है कि कंडेंसेशन पॉलीमर जो होते हैं बेसिकली वो स्टेप ग्रोथ पॉलीमर्स होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज सो मच इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फोकस करिए, ठीक है, दिस इज सो मच इंपॉर्टेंट, फोकस करिएगा। स्टेप ग्रोथ पॉलीमर्स, स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन यहां पर होता है, जबकि एडिशन के अंदर कैसा था, चैन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, चैन पॉलीमराइजेशन होता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों फर्क को आप ध्यान से देखोगे, ठीक है, और इस पे फोकस करोगे। दोबारा बोलता हूं, कंडेंसेशन पॉलीमर जो है बेसिकली वो स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन होते हैं, जबकि एडिशन पॉलीमर्स कैसे होते थे, चैन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। दोनों में फर्क है, स्टेप एंड चैन में, ये स्टेप से चलते हैं, एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, एक चैन क्रिएट होगा, ठीक है, एक स्मॉल चैन क्रिएट होगा, फिर से एक वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, फिर से दूसरा एडिशन होगा, तो इस तरह से चलता है यहां पर एलिमिनेशन के बाद, ठीक है, स्टेप टू स्टेप यहां पर ग्रोथ होती है, ठीक है। इसकी डिटेलिंग हम लोगों को करने की जरूरत है कि सब कैसे होता है, क्योंकि ये सब हायर क्लासेस में आप पढ़ोगे इसकी जरूरत है नहीं, बट छोटी छोटी चीजों पर फोकस करो कि यहां पर ये जो छोटी छोटी चीजें काफी मायने रखती हैं, इनपे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। उसके बाद कंडेंसेशन पॉलीमर में तो पहले ही पढ़ चुके हैं, यहां पर होगा क्या, यहां पर मेंशन है, जरा फोकस करो क्या लिखा हुआ है। कंडेंसेशन पॉलीमर्स आर एनी काइंड ऑफ पॉलीमर्स फॉर्म थ्रू कंडेंसेशन रिएक्शंस वेयर मॉलिक्यूल्स जॉइंस टुगेदर लूजिंग स्मॉल मॉलिक्यूल्स एज बाई प्रोडक्ट सच एज वॉटर। नाउ फोकस ऑन दिस, पानी बाहर निकलेगा, मे बी हो सकता है मिथेनॉल बाहर निकले, या फिर हो सकता है अमोनिया बाहर निकले, क्लियर होता है, ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, दिस इज वेरी मच सिंपल, इसका स्क्रीनशॉट के लिए मैं बोल दूंगा, टेंशन मत लो, क्लियर होता है सब लोगों को। मतलब यहां पर जो दो मोनोमर्स ऐड होंगे, लेकिन एडिशन में यहां पर एलिमिनेशन होगा, मतलब वाटर का मॉलिक्यूल में भी हो सकता है, अल्कोहल में भी हो सकता है, अमोनिया बाहर निकले, सबको समझ में आता है। अब इसको हम लोग तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, लेकिन उसमें से जो एक कैटेगरी है उसको वो आप किस में पढ़ोगे, बायो मॉलिक्यूल्स में। किसकी बात कर रहा हूं, प्रोटीन्स के नीचे लिखा है ना, फोकस ऑन दिस, ये प्रोटीन्स, प्रोटीन्स भी कैसे होते हैं, कंडेंसेशन पॉलीमर्स होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन्स आर ऑल्सो कंडेंसेशन पॉलीमर्स, जिसको हम लोग किस में पढ़ेंगे, बायो मॉलिक्यूल्स में। अब यहां पर किसको पढ़ना है हमें, फोकस करते चलिए, मैं इसको थोड़ा सा हटा देता हूं, नीचे ले लेता हूं। अब देखिए यहां पर क्या है, पॉलीएमाइड्स एंड पॉलीएस्टर्स, ये प्राइम एग्जांपल्स हैं किसके, पॉलीएमाइड्स एंड पॉलीएस्टर्स आर द प्राइम एग्जांपल फॉर कंडेंसेशन पॉलीमर्स, फॉर कंडेंसेशन पॉलीमर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर जो चैन के जो हुक होते हैं ना, उस पर भी गौर करने वाली बात है। पॉलीएमाइड की बात करें तो पॉलीएमाइड के जो चैन के हुक्स आपको दिखाई देंगे, उसका मतलब क्या, मैं आपको समझाता हूं, वो कुछ ऐसे होंगे, फोकस करिएगा, क्लियर होते हैं, मेन चैन के हुक्स कुछ ऐसे होंगे पॉलीएमाइड के अंदर, ठीक है। तो यहां पर CO ग्रुप और NH ग्रुप दोनों अटैच होंगे, पॉलीमर के अंदर की बात कर रहा हूं, लेकिन पॉलिएस्टर की बात करें तो वहां पर आपको कैसा दिखेगा, C डबल बॉन्ड O एंड देन O, ये दिखेगा, क्लियर होता है, ऐसे आपको चेंज दिखाई देंगे। अब इसका मतलब क्या है वो अपन अभी देखते हैं, टेंशन मत लो, लेकिन उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो मुझे पता है, तो मैं हट जाता हूं, ठीक है, सो इसको मैं हटाता हूं। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया सबने, साफ सुथरा लेना चाहते हो क्या, तो साफ सुथरा ले लो, चलो तो मैं इसको हटा देता हूं, ये लो अभी साफ सुथरा ले लो, क्लियर होता है सब लोगों को। कंडेंसेशन पॉलीमर सबको क्लियर हो गया, कंडेंसेशन पॉलीमर कैसे होते हैं वो हमें समझ में आ गया, एलिमिनेशन से बनेंगे, वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल सकता है, अमोनिया बाहर निकल सकता है, इसके तीन एग्जांपल आपके सामने लिखे हैं, पॉलीएमाइड्स, पॉलीएस्टर्स एंड प्रोटीन्स। प्रोटीन्स को हम लोग बायो मॉलिक्यूल्स में पढ़ेंगे, इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर, पॉलीएमाइड्स एंड पॉलीएस्टर्स पढ़ने वाले, क्लियर होता है। सबसे पहले हम लोग किसको कवर करेंगे, सबसे पहले हम लोग पॉलीएस्टर्स को कवर करेंगे। सब लोग नोट डाउन करो इसको, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया, नहीं लिया तो मैं एक बार फिर से हट जाता हूं, कोई बच्चा अगर रह गया हो तो अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, चलो नोट डाउन करो। पॉलीएस्टर्स, पॉलीएस्टर्स से शुरू करते और फिर मैं इनकी जो हुक की बात बता रहा था कि वहां पर सीओ एन एच बॉन्ड होते हैं, यहां पर पॉलीएस्टर की बात करें तो वहां पर सीओ ओ बॉन्ड होते हैं, ठीक है, एस्टर बॉन्ड होते हैं। एमाइड का क्या मतलब होता है, सीओ एन एच, एमाइड का क्या मतलब होता है आप याद करो, अगर आपने एमाइड, ठीक है, मैं यहां पर लिख देता हूं, चलो सो अगर आपने हायर क्लासेस में ट्वेल्थ में पढ़ाई होगा एमाइड एज अ फंक्शन ग्रुप, तो आप क्या लिखते हो एमाइड के अंदर, सी डबल बॉन्ड ओ और यहां पर एनएच टू लिखते हो। मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूं कि यहां से हाइड्रोजन हट जाएगा, ठीक है, क्योंकि वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा जिसके अंदर हाइड्रोजन जो है वो एमाइन से आएगा,
और OH जो है वो किससे आएगा, एसिड से आएगा। तो यहां से एक अंदाजा आप छोटा छोटा सा लगा सकते हो कि यहां पर एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड इस्तेमाल होंगे, मैं लिख देता हूं, एक तो यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड इस्तेमाल करोगे और दूसरा एमाइंस इस्तेमाल करोगे, क्लियर होता है। सो कार्बोक्सिलिक एसिड और एमाइन इनके कॉम्बिनेशन से, मतलब यहां पर अगर कंडेंसेशन करा आपने तो यहां से आपको किस तरह का कंडेंसेशन पॉलीमर मिलेगा, पॉलीएमाइड्स मिलेंगे, क्लियर होता है। आपको मैं एग्जांपल बताऊंगा। लेकिन अगर आप एस्टर बनाना चाहते हो तो देखो एस्टर किससे बनेगा। एस्टर भाई आप लोग याद करो कि आपको एस्टर बनाने के लिए क्या चाहिए होता है, याद करो। अगर आप पॉलीएस्टर बनाना चाहते हो तो याद करो कि एस्टर किससे बनता है, एस्टर बनता है एसिड से एंड एल्कोहल से। सो यू नीड एल्कोहल एंड एस्टर एसिड। तो यहां पर एल्कोहल चाहिए एक तो, और एक हमें चाहिए कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अगर आप इन दोनों के कॉम्बिनेशन देखो पॉलीएस्टर बनेंगे। एग्जाम्पल दूंगा मैं आपको, लेकिन आपको मोनोमर याद करने का आसान तरीका बता रहा हूं। फोकस करो कि मोनोमर आपको याद करना है। आप याद कैसे करोगे, पॉलीएमाइड के अंदर आपको दो मोनोमर यूज होंगे। पहला मोनोमर मस्ट बी कार्बोक्सिलिक एसिड, दूसरा मोनोमर मस्ट बी एमाइन, क्लियर होता है। अब इसके एग्जाम्पल अपन लेंगे, जैसे एग्जाम्पल पहले भी देख चुके हैं, नायलॉन 6 6 याद होगा, नायलॉन 6 6 एग्जाम्पल लिया था हमने, ठीक है। अगर आपको पॉलिएस्टर बनाना है जिसका एग्जाम्पल है टेरिलीन, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, उसके लिए अगर एस्टर बनाना है तो यू नीड कार्बोक्सिलिक एसिड एंड यू नीड एन एल्कोहल। अब आप एग्जाम्पल याद करो, अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया था टेरिलीन का, और टेरिलीन में हम लोगों ने दो मोनोमर यूज किए थे, कौन से थे, एक तो था ग्लाइकोल, दूसरा वाला कौन सा था याद है, दूसरा वाला कौन सा था ग्लाइकोल के अलावा टेरिलीन के अंदर, फिथैलिक एसिड, टर्फथैलिक एसिड, समझ में आते हैं, बेंजीन रिंग और उसके बिल्कुल अपोजिट साइड में सी डब्ल्यू एच ग्रुप, याद है आप लोगों को। तो एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, दूसरा हो गया हमारे पास क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड के अलावा क्या हो गया, ग्लाइकॉल, थाइलीन ग्लाइकॉल विच इज एल्कोहल। तो एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड आपको एस्टर देंगे, मतलब पॉलीएस्टर बनाने का आपको मोनोमर मिल गया, उसके एग्जाम्पल हम लोग आगे देखेंगे। और अगर आपने एमाइन और कार्बोक्सिलिक एसिड लिया तो आपको पॉलीएमाइड्स मिलेंगे जिसका एग्जाम्पल है नाइलॉन 6 6। अब हम लोग चलते हैं आगे और हम लोग यहां पर पॉलीएस्टर का एग्जाम्पल एक देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे आगे, चलो ठीक है। सो यहां पर देखिए, सबसे पहले तो विल टॉक अबाउट पॉलीएस्टर्स, विल टॉक अबाउट पॉलीएस्टर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल भी नीचे लिखे हैं और उसके बारे में अभी एक्सप्लेन करूंगा। पॉलीएस्टर्स का सेंस क्या है जरा गौर से देखिए, यहां पर मेंशनड है पोलिएस्टर, दीज आर द पॉली कंडेंसेशन प्रोडक्ट्स ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डायोल्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, सब लोग नोट डाउन करो। यहां पर अगर आपको पोलिएस्टर्स बनाने हैं बच्चों, सो आपको दो मोनोमर का यूज करना पड़ेगा, एक तो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड और दूसरा डायोल्स। मैंने क्या कहा था आपसे, आप याद करो, अगर आपको एस्टर बनाना है तो एक कार्बोक्सिलिक एसिड और आपको एल्कोहल इस्तेमाल करना पड़ेगा, और यहां पर भी और स्पेसिफाई कर दिया उस चीज को, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड और डायोल्स इस्तेमाल करना पड़ेगा क्योंकि दोनों तरफ से वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। उससे साइंस क्या, मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूं, क्लियर होता है। वैसे जिसने टेरिलीन को बनते देखा है उसको तो अपने आप अंदाजा हो गया होगा, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब दो सी डब्ल्यू एच ग्रुप, डायोल का मतलब दो ओ एच ग्रुप। एग्जाम्पल मैं यहां पर लिख देता हूं, आप लोग याद करो कि हमने टेरिलीन बनाया था और उसके अंदर हम लोग टर्फथैलिक एसिड इस्तेमाल किया था। यहां पर ये देखिए सी डब्ल्यू एच ग्रुप पहला, ये सी डब्ल्यू एच ग्रुप दूसरा, आता है सबको समझ में, एक तो ये यूज करना है, एक हम लोग यहां पर इथाइलिन ग्लाइकोल इस्तेमाल कर लेते हैं, सी एच डबल बॉन्ड सी एच एंड देन यहां पर ओ एच डायोल इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यही कह रहा है कि आपको डाई कार्बोक्सिलिक एसिड और डायोल इस्तेमाल करने पड़ेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि यहां पर एक एच निकलेगा। मैं कलर चेंज कर लेता हूं, फोकस करिएगा, यहां से अगर एक एच निकला तो ये एक ओ एच देगा, यहां से एक एच निकला तो ये एक OH देगा, बात समझ में आ रही है। तो वाटर के मॉलिक्यूल जो बाहर निकलेंगे वो दोनों तरफ से चेंज बढ़ सकती है, खुद से दिमाग लगाओ ना, अगर आप एक ही तरफ से बढ़ाना चाहते हो तो सिंगल OH चलेगा और सिंगल डबल OH चलेगा, लेकिन अगर आप दोनों तरफ से बढ़ाना चाहते हो तो डायोल डाई कार्बोक्सिलिक एसिड आपको चाहिए, और उनकी यूनिट सामने लिखी हुई है। और देखिए जब आप इसको हटाओगे तो ये इस तरह का आपको ग्रुप्स वहां पर दिखाई देंगे, इस तरह के छोटे छोटे ग्रुप्स आपको वहां दिखाई देंगे। एग्जाम्पल देता हूं, सबसे पहले तो एग्जाम्पल नोट डाउन करो, टेरिलीन एंड ग्लिप्टल। अब यहां पे लिए देखिए, ग्लिप्टल आपके लिए एक नया एग्जाम्पल हो गया, टेरिलीन का एग्जाम्पल तो मैंने यहां पर अभी थोड़ी देर पहले लिख दिया। अब हम इन दोनों एग्जाम्पल को और अच्छे से देख लेते हैं, जिससे सिलेबस थोड़ा और अपना फास्ट दौड़ेगा, जल्दी कर लेंगे हम लोग, हालांकि अभी ऑलमोस्ट हाफ एन आवर से ऊपर का क्लास हो चुका है,
सबको समझ में आता है, लेकिन फिर भी हम लोग अभी 5 मिनट और एक्सटेंड करेंगे जिससे हमारा सिलेबस थोड़ा तेजी से हो। तो विल टॉक अबाउट टेरिलिन एंड ग्लिप्टल, ठीक है। सो चलो प्रोनंसिएशन में मत जाना, मैं बिल्कुल अंग्रेज नहीं हूँ, आपको पता है मेरी अंग्रेजी कितनी खराब है। और वैसे भी आप क्या पढ़ने आए हो, यहाँ पे केमिस्ट्री पढ़ने आओ भाई, वहाँ पर बड़ी समस्या थी। कहाँ पे जहाँ मैं गया था, सो वहाँ पर बहुत प्रॉब्लम थी भाई, अंग्रेजी बोलते हैं सब। हाँ वैसे ये बात है, एनवायरनमेंट मिल जाता है तो इंग्लिश थोड़ा थोड़ा निकलने लगती है। आप इतना फ्रीक्वेंट नहीं हो, बैंगलोर आया हूँ, मेरे जो टेक्निकल गुरुजी बैठे हैं हमारे पीछे टेक्निकल सपोर्ट, वो भी बहुत इंग्लिश बोलते हैं। यहाँ पर तो बच्चा बच्चा इंग्लिश बोलता है यार, लेकिन अपनी हैबिट ही नहीं है, क्या करें। तो वहाँ पर देखा सब इंग्लिश विंग्लिश चलता है, और अपनी इंग्लिश है भाई ऐसी खराब फ्रिक्वेंसी नहीं है, मतलब फ्लुएंसी नहीं है, बहुत प्रॉब्लम है। लेकिन धीरे धीरे अभी इम्प्रूव कर रहा हूँ, बट ठीक है, नेचुरली हो जाए तो अच्छा है। सो चलो फाइनली पोलिएस्टर्स की बात कर रहे थे हम लोग, और यहाँ पर एग्जांपल था टेरिलिन का और ग्लिप्टल का। तो अपन ग्लिप्टल और टेरिलिन दोनों के एग्जांपल देखते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले टेरिलिन फोकस करिएगा, टेरिलिन में हम लोगों ने क्या लिया, ये देखिए मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ, फोकस करिएगा। ये देखिए हमने क्या लिया हुआ है, दिस इज नाउ लुक एट इट, ये एग्जाम्पल के तौर पर आपके सामने बना हुआ है। दिस इज, आप ये भी ले सकते हो, देखो डाइमिथाइल टर्फथैलेट, आप ये भी ले सकते हो, फोकस करिएगा, क्लियर होता है। और साथ में हमने क्या लिया है, डाइमिथाइलिन ग्लाइकोल, ये भी ले सकते हो। और अगर आप ये एग्जांपल नहीं लिखना चाहो तो आप सीधा यहां पर, तो उसने एस्टर ले लिया, आप सीधे भी लिख सकते हो, ये एग्जांपल भी ले सकते हो, आपको घबराना नहीं है, ठीक है। सी डब्लो यहां पर ओ एच, क्लियर होता है। इसने क्या किया, यहां पर ये जो सी डब्लो है उसके साथ एच की जगह उसने क्या लगा दिया, सी एच थ्री, क्लियर होता है। जिससे यहां पर क्या निकलेगा, यहां पर अल्कोहल एक्सट्रैक्ट होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कैसे भी उसको यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर हो गया सब लोगों को। बस उसने यहां पर, मैंने H लगाया है, इसने यहां पर CH3 यूज किया है और कुछ नहीं। अगर आप यहां पर H लगाओगे तो वाटर बाहर निकलेगा, और अगर आप यहां पर CH3 लगाओगे तो अल्कोहल बाहर निकलेगा, सिर्फ इतना सा फर्क है। तो यहां पर डाइमिथाइलिन टर्फथैलेट एक्चुअल में यहां पर यूज किया गया है, और कुछ नहीं, यहां पर हाइड्रोजन की जगह उसने मिथाइल ग्रुप लगा दिया है। इस तरफ भी फोकस करो और इस तरफ भी फोकस करो, क्लियर होता है सब लोगों को, मिथाइल ग्रुप लगा दिया गया है। और यहां पर ये क्या इस्तेमाल किया है, यहां पर जरा फोकस करो, यहां पर ग्लाइकोल, उसका फॉर्मूला तो सब लोग जानते ही हो, दैट इज CH2, ठीक है। और यहां पर ट्वाइस, दो बार है ये, और यहां पर दोनों तरफ OH ग्रुप, मतलब एक्चुअल में ये है, कई लोग घबरा जाते हैं तो वो कुछ नहीं है, CH2, और उसके बाद यहां पर भी OH है और यहां पर भी OH है। अब आपको पता है अल्कोहल एक्चुअल में जब भी यहां से वाटर का मॉलिक्यूल, या फिर अगर यहां से आप अल्कोहल बाहर निकालो या वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकालो, उस केस में जो ग्लाइकोल है वो क्या देगा, वो हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट करेगा अपने अंदर से, और कुछ नहीं निकालेगा। यहां से हाइड्रोजन बाहर निकालोगे, क्लियर होता है, मेंशन, अच्छा सॉरी फोकस करिएगा, यहां से OH बाहर निकल रहा है, यहां पर CH3 बाहर निकल रहा है, और यहां से एक सेक्शन से क्या बाहर निकलेगा, मिथेनॉल। मैंने आपसे कहा था कि यहां पर देखो कोई ना कोई एक यूनिट बाहर निकलेगी, मिथेनॉल हो सकता है, वाटर हो सकता है, अमोनिया हो सकता है। अगर आपने हाइड्रोजन की जगह मिथाइल ग्रुप लगा दिया तो उस केस में मिथेनॉल बाहर निकलेगा, और ये चेन्स आपस में जुड़ जाएंगे। देखो यहां पर फोकस करेगा, ये O एंड देन दिस वन CH2, ये जुड़ जाएगा आपस में, क्लियर होता है। सो ऐसा ही होता चला गया, देखिए ये O एंड देन पीछे है CH2, क्लियर हो गया। इस तरह से लंबी चेन्स, आपको कुछ नहीं करना, यहां से CH3OH बाहर निकालना है। इसी तरह से पीछे से भी यहां पर क्या होगा, बेसिकली यहां पर CH3O बाहर निकलेगा, यही चीज मैं आपसे फोकस करवा रहा था। अब देखिए यहां पर क्या किया उसने, ध्यान से देखिए, अगर मैं यहां पर फोकस कराऊं, फोकस करिएगा, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं, पहले मैं इसको क्रॉस करता हूं। आप लोग याद करो, आपने स्मॉल क्लासेस में पढ़ा है, ये एग्जांपल सामने लिखा हुआ है, किस किस को लगता है कि इसमें ना यहां पर मिथेनॉल को निकालने में एक छोटा सा मिस्टेक किया गया है, जो मुझे भी लग रहा था, लेकिन जब मैंने बॉक्स देखा तो मैंने सोचा कि ये पॉसिबल है क्या, लेकिन नहीं है, यहां पर एक छोटा सा मिस्टेक है। एक्चुअल में अगर आप याद करो, आपको क्लासेस में पढ़ाया जाता था, कई बार आपको बोला गया है कि अगर आप किसी एसिड का रिएक्शन, मैं यहां पर नीचे लिखता हूं, फोकस करेगा, ठीक है। अगर मैं यहां पर लिखूं CH3C डबल बॉन्ड O एंड देन यहां पर लिखा OH, इसका रिएक्शन किसी अल्कोहल से करवा दिया HOCH3, तो आपको पता है क्या कि यहां से एस्टर बनेगा, लेकिन कौन, वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, हमको सबको पता है, क्लियर है, एस्टर बनेगा, हमें सबको पता है। लेकिन सवाल यह है कि वाटर के मॉलिक्यूल के लिए एक एच चाहिए, एक OH चाहिए, एच कौन देता है और OH कौन देता है, आपको पता है एच कौन देगा, ये वाला एच निकलेगा, अल्कोहल एच प्रोवाइड करता है,
और एसिड OH प्रोवाइड करता है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये सबको पता होना चाहिए। एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया है कि यहां पर रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन का यूज किया जाता है, और वो रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन जो है बेसिकली कहां पे, या तो ये ले सकते हो या फिर आप ये भी ले सकते हो। ज्यादातर ये रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन का यूज किया जाता है और ये आपको किसमें, एस्टर में दिखाई देती है। क्लियर हो गया? सो फोकस करने वाली बात यह है कि आपका जो अल्कोहल है वो H प्रोवाइड करता है, और जो आपकी एसिड है वो आपको क्या प्रोवाइड करेगी, OH। तो सेम खेल यहां पे भी है। तो यहां पे इन्होंने एक बॉक्स बनाने में गलती कर दी, ठीक है। हमेशा जो अल्कोहल होगा वो H प्रोवाइड करेगा, यहां पे बॉक्स में आप थोड़ा चेंज कर लीजिएगा, और जो पीछे आपके पास दिख रहा है वो आपको OCH3 प्रोवाइड करेगा। इस केस से आपके क्या बाहर निकलेगा, मिथाइल अल्कोहल। बहुत इंपॉर्टेंट है, करेक्शन कर लेना आप लोग, इस गलती में मत पड़ना। यहां पे बॉक्स बनाने में गलती की है, प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है, टेंशन मत लो, पर अपन को करेक्ट कर रहे हैं। और इसका फंडामेंटल कहां से निकल के आएगा, यहां से। अब ये चीज करेक्ट कैसे होती है, या तो आपको मालूम पड़ गया, पीछे आ जाओ, यहां से ये मालूम पड़ जाएगा आपको, पीछे वाली इधर देखो, यहां पर अगर हम बात करें, COE लिखा हुआ है, दिखाई दे रहा है सब लोगों को, इसका मतलब ये पूरा यूनिट बाहर निकाल दिया। इसका मतलब ये जो है आपके पास, ये जो दिया हुआ है वहां से आपके पास OCH3 एक्सट्रैक्ट होगा, और इसका फंडामेंटल आप कहां से ले सकते हो, यहां से ले सकते हो। इसलिए ध्यान देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल चीज। मुझे भी लग रहा था थोड़ा थोड़ा, क्योंकि ये स्लाइड अभी ऐड किया था मेरे टेक्निकल टीम ने मुझे दिया, मैंने सोचा कि ये क्या हो रहा है, लेकिन दिमाग में एक बात आई निकल के कि यार ये कॉन्सेप्चुअली तो सही नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि मैंने एक्चुअली क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि जब भी एसिड और हम लोग अल्कोहल की रिएक्शन कराते हो तो अल्कोहल सिर्फ हाइड्रोजन प्रोवाइड करता है। इस केस में ये ग्लाइकोल भी हाइड्रोजन ही प्रोवाइड करेगा, और यहां से क्या बाहर निकलेगा, OCH3। बहुत इंपॉर्टेंट है। सो सिंपल है, और कुछ करना नहीं है, यहां से आप फोकस करेगा CH3OH बाहर निकालने को। समझ में आता है? सो ये हमारे पास मिथाइल अल्कोहल बाहर निकल गया, टेरिलिन इस तरह से तैयार होता है। कुछ नहीं करना, इन यूनिट से आप मिथाइल अल्कोहल बाहर निकाल दो, ये रेड बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है, इन दोनों को आपस में जोड़ दो। नीचे की यूनिट्स आपको दिखाई दे रही हैं, कंडेंसेशन, ठीक है, कंडेंसेशन हमारे यहां पर हो चुका है। क्लियर हो गया? कंडेंसेशन हो चुका है जिससे टेरिलिन बन चुका है। सो हमने काफी आज पढ़ लिया, ठीक है, अभी हम लोगों को ओवर करना है क्योंकि अगली क्लासेस भी हैं। टिल देन मैं इसको हटा देता हूं, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, आप चाहो तो इससे बना लेना, आप चाहो तो क्या ले सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप यहां पर CH3 लगाओ, आप H भी लगा सकते हो। क्लियर है? कोई फर्क नहीं पड़ता, टेरिलिन दोनों वे से लिखा जा सकता है। सबको समझ में आ गया? सो अभी हम लोग यहां पर इसको फिनिश कर रहे हैं, बहुत सिंपल सी चीज है, एक बार आप प्रैक्टिस करिएगा। ऊपर एग्जांपल दिया है किस तरह से बन रहा है, उसको एग्जांपल को याद रखते हुए काम आप याद रख सकते हो, ये चीजें आप याद रख सकते हो। टेरिलिन हमने बना ली, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं, अगले लेक्चर में हम लोग टेरिलिन के बाद ग्लिप्टल को पढ़ेंगे, ये आपके सामने मोनोमर है, लेकिन हमारे पास वक्त की थोड़ी कमी है क्योंकि अगली क्लास भी है। तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, टिल देन थैंक यू सो मच गाइज फॉर कमिंग। आप बैठ के अच्छे से प्रैक्टिस जरूर करना, चीजों को लिखना, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। हम लोग अब रेगुलर क्लासेस लेंगे और आपके लिए बहुत सारी चीजें आएंगी, जो बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन अभी फोकस कर रहे हैं तो उनके लिए भी एक बहुत सुनहरा अवसर आने वाला है। फोकस करिएगा, न्यू अनाउंसमेंट्स होंगी, उसको मैं बहुत डिटेल में आपको बता दूंगा बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और ये तो चल ही रहा है पैरेलली जिससे आप कवर अप कर सकते हो। सो चलिए गाइस, साइनिंग ऑफ, मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, लाइक जरूर कर देना नहीं किया है तो, और सब्सक्राइब करके जाना, थैंक यू।